Hello, Casey Hazy, Ablock. Would you like to see a look Ablock at Cham? मैं एक्चुअली ना बहुत सारे वीडियो पहला भी शूट किया, अभी भी करता हूँ। मैं शख्स को बनने में मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा ही नहीं लगता है? जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप देखें, हिस्ट्री को आपको को जो है वो तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। जैसे कि हम देखता है, भारत एक महान कंट्री था, देश है। आप 200 साल पहला और इसकी पहला से देखे भारत, और 300 400 साल पहला से देखे भारत, ओनली एक राष्ट्र नहीं है, एक उपमहादेश थे, जहाँ दुनिया की चार भाग के एक भाग जो जमीन है भारत के अंदर ही था। जैसे कि ईरान हुआ, इराक हुआ, जैसे कि मिडिल ईस्ट के आधा देश है, आधा कंट्री भारत के अंदर था। अफगानिस्तान शुरू करके पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जो है, सब तो भारत के अंदर ही था। काल कालों में, समय समयों में बहुत सारी जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संघर्ष, समस्या और सब वजह से इसकी अलग हो चुके। तो एक्सिस ऐसा है, मैंने जो आप भारत से बाहर हुआ, मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग को जाते साथ मुझे मिलने का एक मौका मिला। मिलने के एक बहुत बड़ा मौका मिला। बहुत सारी चीज़ हम देखे हैं और हमें जानने का मौका भी मिला। जैसे कि हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति एक बहुत समृद्ध संस्कृति था, पूरा दुनिया की एक आकर्षित संस्कृति था, एक आकर्षण था, एक सपना की देश था भारत। जब भारत एकत्रित था, एक साथ था, जैसे कि ब्रिटिश की पहला, जब ब्रिटिश आने के पहला, भारत एक इतनी समृद्ध था, इतनी जनप्रियता था, जिस पूरा दुनिया में लोगों के एक सपने की देश था भारत। ये भारत धन में, संपद में, शिक्षा में, संस्कृति में दुनिया की सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च स्थान में था। तो सबकी, इनकी पता करना, इनकी जानना, इनकी उपभोग करना, इनकी चीज को अपनाना के लिए सपना ही था सबका, ऐसे हम देखते हैं। तो बात ऐसी है, तो ये जो चीज है कहाँ चला गया आज, क्यों ऐसा हुआ? तो हम देखता है, भारत के एक बहुत बड़ा समस्या था, भारत को भी एक साथ में हो नहीं पाए, भारत के लोग एक साथ में हो नहीं पाए, एक साथ आ नहीं पाए, एक साथ बात कर नहीं पाए, बैठ नहीं पाए। क्यों? धार्मिक प्रॉब्लम का वजह से। जैसे कि हम ब्राह्मण्यवाद देखते हैं, भारत की जो ब्राह्मण्यवाद है, ये भारत की एक अंग राज्य है। जैसे कि ईरान रहा, ईरान जो राज्य है ये भारत के साथ ही था एक्स टाइम पे। तो ईरान से जो लोग, ईरान साइड से जो भारत की लोग, बाकी भारत की जो बाकी राज्यों में चला गया, बाकी राज्यों में आने लगा, बढ़ने लगा। ये लोग थोड़ा देखने में अलग था और थोड़ा देखने में अच्छा भी था, खूबसूरत भी था, बाकी भारतीय लोगों से भी है। तो जब भारत, तो ये लोग ने एक अपनी धर्म, जैसे कि हिंदुत्व प्रथा, जो पुराना प्रथा है, इसे प्रथा को लोगों ने भारत में सृष्ट किया करके ये लोगों ने क्या किया, भारत को ये लोग अपना को श्रेष्ठता और उच्चता, उच्च स्थान समाज में प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थान लेने के लिए ये लोग थोड़ा समझदारता, थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि था, ज़्यादा कूटनीतिक था, और ये लोग थोड़ा ज़्यादा होशियार था बाकी लोगों से भी। तो जिस वजह से लोग इसे एक टेक्निक अपने हैं समाज में, अपना को समाज में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च स्थान में बैठाने के लिए, समाज का बाकी लोगों से
सम्मान अदा करना, संपत्ति अदा करना, दान अदा करना, इनकी गलत इच्छा, गलत मतलब उन्होंने अपनाया, अपना के समाज को नाना प्रकार से जातों से जात कामों का बोझे, कामों का हिसाब से जात जात का जात सृष्ट किया, लोगों को ऊंचा नीचा सृष्ट किया काम का बोझे से, ऐसा करके समाज को आलोक आलोक करके कर ले करके रखा, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, एक्शन में होने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। तो ये भारत की एक बड़ा कमजोरी हो गया इसकी वजह से, क्योंकि ब्राह्मण्यवादी जो लोग था, ये जो फर्शी लोग बा, जो पर्शियन जो लोग हैं बा, ईरानी ईरानियन लोग हैं जो ब्राह्मण लोग, ये लोग अपनी मतलब के लिए पूरा समाज के कमजोर कर दिया, दुर्बल कर दिया। तो करके जिस वजह से भारत को, भारत में समय समय में नाना प्रकार संघर्ष युद्ध होते, सब भारत अलग अलग टुकड़ा होने लगा, होते गया, जाते जाते शेष में जैसे कि हम 2000 और 3000 साल आगे देखे, जैसे कि बुद्ध जैसे एक पुरुष है भारत में आया, वो भी ब्राह्मण्य बात की, ये जो पारसी बात है, जाति बात है, ये जो लोगों को ऊँचा नीचा खंडन की बात है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपना बुद्धि से, विचारों से, ज्ञानों से, उन्होंने जितना हो सके वो तब समाज में अपने जो विचार को स्थापित किया, कोई लोग उनको उससे उनसे प्रभावित हुआ, ओके ब्राह्मण्यवाद को दमा जो चपाया और छुपाया और समाज से दूर किया। बाद में देखते हैं हम बुद्ध जैसे कि उनकी परिनिर्वाण हुआ, देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हो गया, बाद में फिर से समाज में जो ब्राह्मणों बात विचार वापस आने लगा, वापस शक्तिशाली होने लगा, प्रकट होने लगा, होके वापस समाज में फिर पुराना जो चीज है, जो विचार है, ये चीज समाज में स्थापन होने लगा। तो ये चीज हम ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है जो बुद्धि की बात, बुद्धि की विचार है, ये बहुत आप मॉडर्न साइंस में देखें, ये इतनी अच्छी बात था, भारत की इतनी अच्छी बात था जो पूरा दुनिया के लोगों को लाभ कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, बस पूरा दुनिया की एक स्थायी समाधान, शांति, सुख लेके आ सकते हैं, इसे एक शक्ति, इसे उनकी विचारधारा था कि वो प्रकृति की बहुत उनका पूरा जिंदगी हम देखते हैं, वो प्रकृति की छात, नेचर की छात, उन्होंने जिंदगी अपनाया, नेचर को कोई असम्मान नहीं करके, नेचर को रक्षा करके, सम्मान करके, इज्जत करके, नेचर की चात अपनी ज़िंदगी पूरा बुरा ज़िंदगी में बिताया है। यस, तो उनके जो आध्यात्मिक विचार जैसे कि हम देखते ध्यान साधना जो है, वो ध्यान साधना भी समाज में इतनी, समाज की इतनी लाभ उठा सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। आज समाज, आज विज्ञानवाद समाज में, यांत्रिक समाज में, मशीनरी समाज में, इतनी सारी मशीन हो गए, लोग मशीन के ऊपर निर्भर होने लगा, मशीन के पीछे भागने लगा, भाग के लोग लोगों से प्यार नहीं कर रहे, लोग लोगों से इज्जत नहीं कर रहे, लोग लोगों को आदर नहीं कर रहे, मशीन को आदर कर रहे, मशीन को प्यार कर रहे, मशीन को इज्जत दे रहे। तो इसके पीछे टाइम, इसके पीछे समय, इसके पीछे अपनी सब कुछ, वो मेहनत सब कुछ पीछे लगा रहे, लेकिन लोग आज बंदा एक लोग लोगों को पीछे आज कुछ नहीं कर रहे, लोगों को लोग इज्जत नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे। तो ये बुद्ध की जो विचार था, उनकी विचार, आप खुद को जानो, खुद की मन की जानो, शरीर को जानो, आप दूसरा को जानो, दुनिया की जानो, प्रकृति को जानो, तो इसी एक विचार था। तो ये चीज जो विचार है, इतनी विचार, अच्छे विचार है, ये बहुत दुनिया के हर कोना कोना के जगह जगह के लोगों का भलाई की विचार था। तो जो विचार है, ये ब्राह्मण्यवाद विचार, इसको भी ख़त्म किया, ध्वंस किया। तो ब्राह्मण्यवाद विचार का वजह से बाद में हम देखता है भारत में मुस्लिम लोगों का आगमन हुआ अरब कंट्री से, क्यों भारत इतना कमज़ोर हो गया बीच में, इतना इतना कमज़ोर हो गया, कमज़ोर होकर ब्राह्मण्यवाद का वजह से बाहर का लोग आके आक्रमण करने लगा, जैसे कि मुस्लिम आया, आके भारत की सत्ता हासिल किया, धन हासिल किया, और भारत की जगह कर लिया, करके भारत की जो बुद्धि की बाकी विचार रहा, बचा हुआ था ब्राह्मण्यवाद से नष्ट हो के भी, वो सब चीज को मुस्लिमवादी विचार जो है, ये जो
शेरबादी जो विचार था वो आके उसको भी ख़त्म कर दिया, डंस कर दिया, और किसी को अपना विचारों में जो ज़बरदस्ती शामिल कर लिया, मुस्लिम बना लिया, ईसाई भी देखते हैं हम। तो बात में इसकी बात में भी इसके आगे भी कुछ लोग, कुछ भिक्षु, कुछ बुद्ध की विचारधारी लोग भारत के बाहर अपने विचार को लेके गया, जैसे कि चाइना में लेके गया, जापान में लेके गया, कोरिया में लेके गया, वियतनाम में लेके गया, और हांगकांग ताइवान में लेके गया, थाईलैंड में, बर्मा, श्रीलंका में लेके गया। वहाँ वो विचार को ये लोगों ने इतने प्यार से, इतने आदरों से, इतनी इज्जतों से ये लोगों ने इनको रक्षा किया, अब तक रक्षा कर रहा है। जो देखे आप, देखे तो आप खुद, ये भारत की जो संपद है, ये जो भारत की जो विचार है, ये जो प्राकृतिक विचार है, ये जो आध्यात्मिक विचार है, ये जो जागृतिक विचार है, ये विचारों को ये लोग इतनी प्यारों से, इतना आदरों से, सम्मानों से, इज्जतों से लोग अब तक इसकी लालन कर रहे हैं, हम देखते हैं। तो इसमें भारतीय जो हिंदू समाज है, जो मुस्लिम समाज है, अभी का जो समाज है, इनको क्या पता होगा, इनकी जो पुरानी जो लोग हैं, तो उनकी दिमागों में, इनकी विचारों में, इनकी ज़िंदगी कितनी बुराइयों में भरा हुआ था, कितनी हिंसा में भरा हुआ था, कितनी गंदागिरी से भरा हुआ था, कितनी आँखों से लोग की ज़िंदगी था, तो आग से जलते हुए लोग था, क्यों ये लोग इतने हिंसाग्रस्त हुआ बुद्ध की जो विचार को और लोगों ने पूरी की पूरा ध्वंस कर दिया, ख़त्म कर दिया, हिंदूवादी विचार, मुस्लिमवादी विचार। लेकिन आज के जो लोग हैं, ये लोग इसकी जवाब दे नहीं पाएंगे, क्यों ये लोग को बहुत सारी जो मॉडर्न जनरेशन है, बहुत को इसकी इतिहास को पता भी नहीं है, इनको इतिहास के बारे में जानता भी नहीं है, और इसके जानने का टाइम भी नहीं है, क्यों इनने मिशनरी, विज्ञानवादी मिशनरी से इस आ गया, इनके पीछे भागते हुए, इनकी जानकारी लेते हुए, इनकी इनको यूज़ करते हुए लोग के पास टाइम ही नहीं है इतिहास को जानना, सच्चाई को जानना। तो ये बात है, आज दुनिया में जो रिलीजन है, जो बुद्धि की जो विचार है, रिलीजन नहीं है, ये प्रकृति बाहरी विचार है, ये नैसर्गिक विचार है, ये प्रकृति से चलो और प्रकृति से प्यार करो और प्रकृति को जानो, प्रकृति से जान के अपनी ज़िंदगी को प्रज्वलित करो और दूसरा को प्रज्वलित करने के लिए मौका दो सबको, इससे एक बात है। तो आज जो धार्मिक विचार हुआ, जो मुस्लिम विचार, हिंदू विचार, क्रिश्चियन विचार, कैथोलिक विचार और जो बाकी जो रिलीजियस विचार, तो ईश्वर को मानता है, सृष्टिकर्ता को मानता है, गॉड को मानता है, अल्लाह को मानता है, ये जो लोग हैं, इनकी विचार अपने इनमें बहुत हम हिंसा देखता है, संघर्ष देखता है, झगड़ा देखता है। अब तक कोई व्यक्ति जो ईश्वर है वो और सृष्टि करता है, कोई किसी को इसको प्रूफ, अभी किसी को इसको सबूत कोई दे नहीं पाया, जाक एक शब्द है जिनको लोग बोल बोल के आ रहे, मान मान के आ रहे, अनजान से अजान, अनजान से अनदेखा से, यही हज़ारों साल से आपसे करोड़ों लोग दुनिया में मानते आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई अभी तक सबूत कोई किसी ने नहीं दे पाया। एक कोई कैसे देखने में व्यक्ति है, कैसे बात करता है, उसके शरीर कैसे है, इसकी आवाज़ कैसा है, कोई पता नहीं, ये एक शब्द है, जस एक शब्द है। इस शब्द को आज तक हज़ारों करोड़ों लोग जो लोग मान के आ रहे हैं, पास इतनी है। तो बुद्ध के विचार इसकी साथ एक मत नहीं है, इसकी पूरा आलोक है। बुद्ध के विचार स्वतंत्र विचार है, बुद्ध के विचार आप अपना कर्म, अपनी जो अच्छा बुरा है, इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी निर्भर करता है। आपका शुरुआत और आपका समाधान आपके अंदर है, आप उसको, आपको खुद को जानो, खुद को, मन को जानो, आपको शरीर को जानो, देखो आपका शरीर को बनाने हुआ, आपके मन की बनाने हुआ, आपकी मन जो शरीर जो है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो समाप्ति है, वो आपकी उसके अंदर है। आप उनको जानने के वजह जानोगे तो, आपके मन को जानो, शरीर को जानोगे तो, आप वर्तमान को जाने देखे तो शरीर और मन की, आप उसको आपको पता हो जाएगा, पता आप कर लेंगे, पता आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई सृष्टिकर्ता, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई व्यक्ति को प्रार्थना और इसकी नमस्कार, इसकी अंधविश्वास रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक चीज़ है, इतनी चीज़ है। तो ये जो चीज़ भारत से आज विलुप्त हो गया, ऐसी है। तो बाहर का देश में जाके ऐसी कोई कोई जगह में उसकी पूर्णता पूर्ण
पूर्ण रूप से है, कोई कोई जगह में इसको थोड़ा थोड़ा सा इसकी मिक्सचर भी बन गया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। बुद्ध की पूरा विचार जापान में पूरा पूरी रहे, चाइना में पूरा पूरी मान रहा है, 100% है, 100% है, बर्मा में, थाईलैंड में ऐसा नहीं, उधर नहीं बोल सकते कोई कोई जगह में, लेकिन अब तक है 100% बुद्ध की विचार, अब तक कोई लोग मान रहा है, इतनी इज्जत से मान, इतने सम्मान से, इतने आदरों से मान रहा है, जो आप पता नहीं कर सकते, बनना से देखो तो आपको पता चलेगा। तो ये बात है, तो आज जो मॉडर्न भारतीय आधुनिक भारतीय है, आपको इससे बहुत लाभ होगा, आपको इसकी बहुत भलाई होगा, कल्याण होगा, देश की दुनिया की भलाई कर सकते हैं। बुद्ध की विचार आप अपनाओगे, इनके विचार को आप पुनर्वर्तन करोगे भारत में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके समाजों में, आपके राष्ट्रों में, पूरा भारत में, पूरा दुनिया की इसमें फ़ायदा उठा सकता है, लाभ उठा सकते हैं, कि वो बुद्ध की शुद्ध जो विचार है, एक भारतीय इसको खुद अपना घर में पुनर्वर्तन करे, देखे तो उसकी शुद्ध जो रूप है, उसको शुद्ध रूप से सबके सामने उसको प्रस्थापन उसकी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भारतीय संपत्ति है, ये भारतीय धन है, ये भारत की पुत्र है, भारत की ये संपद है। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद है मेरी ये बात सुनने का, ये वीडियो देखने का। आपको कैसा लगा, आप भी इसकी कमान कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने इससे मेरे जो विचार है, मैं विचार रख रहा है सबके सामने, आपको विचार रख सकता है, मुझे इससे कोई इसके, आपको बहुत धन्यवाद है।